हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, फेच डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। अच्छा फेच डेटा जब हम करते हैं ना फ्रॉम इंटरनेट, तो अब जाहिर है जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेट से जब कम्युनिकेशन होती है, मैं इस लैपटॉप से जब बैठ के इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करूँगा तो इंटरनेट तो चलता है तारों से, सही है, और तारों में डेटा कैसे ट्रैवल करता है? करंट के ज़रिए। कैसे नहीं, मतलब एक ऑब्वियस, कभी जहन में ये सोचा है कि इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें डेटा तारों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाता है? लाइट, लाइट वेव्स की फॉर्म में। हाँ बात तो सही है, लेकिन लाइट वेव्स क्या होती है ये तो बदल जाऊँ। नहीं अच्छा, ये कोई ब्रेन स्ट्रॉमिंग का सवाल है, कोई सही गलत नहीं है इसके अंदर, ये तो मैं ऐसे ही मतलब तुम लोगों को थोड़ा वो देता हूँ, क्या उसको बोलते हैं जो थ्रिलर मूवीज़ में क्या देते हैं, एनजाइटी देते हैं, थोड़ा तुम्हारे छोटे से डब्बे को ना दिमाग कैसे ढक 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 हिला के देखते हैं कि इसमें कुछ है या हाँ नहीं, किसी के अगर, किसी का अगर दिमाग में कुछ भरा हुआ है। अच्छा लिक्विड तो नहीं होता फाइबर के, नहीं लिक्विड होता है क्या उसमें? लिक्विड होता है तो मैंने तो नहीं, हाँ ग्लास होता है, ग्लास की एक वायर होती है बारीक सी, तो वो तो ग्लास की वायर का सीन ही होता है कि भाई अगर लाइट यहाँ पर है ना और 200 मीटर की वो लंबी तार है, तो मैं यहाँ से लाइट लगाऊंगा तो वो तार के साथ साथ यूँ घूमती है वो, और वो जिधर उसका आउटपुट होगा उधर वो वापस बाहर निकलती है लाइट, मतलब ऐसे होता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बाहर से सन, जो सूरज का जो लाइट है वो इस रूम में, हालांकि ये रूम काफ़ी अंदर है बाहर से, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उसके लिए एक बार मोटी सी फाइबर की केबल लगाऊंगा, वैसे तो बहुत बारीक सी होती है लेकिन मैं मोटी लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए मुझे, और मैं घुमा घुमा के जहाँ जहाँ रास्ते से खिड़कियों से घुमाता हुआ ना ला के यहाँ पर जब रखूँगा तो वो बाहर की लाइट को यहाँ लेकर आ जाएगा, ट्रैवल करवा देगा, ठीक है। ये कर रहे हैं भाई जब लोग सनलाइट को यूज़ करने के लिए ना, वो समझ जाओ फ्री का बल्ब होगा आपका दिन के वक्त, जैसे जिन घरों में या जिन ऑफिसेज में दिन के वक्त अंधेरा होता है वो दिन के वक्त फ्री का बल्ब है जो डायरेक्ट सनलाइट को, उसकी हीट भी लेकर आ जाएगा भाई जब, सनलाइट भी आती है हीट भी आती है थोड़ी सी साथ में, वेल तो वो लाइट को ट्रैवल करवा देता है, लेकिन उससे डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है ये एक सवाल है। सोचा कभी, कभी गौर किया? ऑन ऑफ की फॉर्म में कैसे? नहीं मतलब अच्छा, वो उसने वैसे करीब करीब बात कह दी है, हंस रहे हो उस पर, काफ़ी सही बात कर दी है उसने, लेकिन वो अभी भी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो उसने भी नहीं बोला। आप बताओ ज़रा ऑन ऑफ कैसे, ज़रा एक्सप्लेन करो, कौन था ये? तुम थे? बताओ और खड़े होकर बताओ ना ऑन ऑफ का क्या सीन था, कैसे बता रहे थे? अब देखो तुम हंसे, वो बेचारा कॉन्फिडेंस लूज करिए। हाँ जैसे हमने वो बाइनरी पढ़ा था तो कह रहे हैं जैसे ट्रांजिस्टर होता है ऑन ऑफ होता है, तो इसी तरह तार में अगर करंट को ऑन ऑफ करें तो शायद कोई ट्रैवल करवा सकते हैं हम डेटा को। मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि भाई मतलब मेरे पास 8 बिस्किट्स हुआ करती थी ना वेरिएबल का जब हमने पढ़ा था, तो कोई अगर मिस कर दिया किसी ने वो क्लास, तो वो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन करके शायद मैंने टाइटल रखा था, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, पता नहीं वो आपके प्लेलिस्ट में होगा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा। तो उसमें हमने वो पढ़ा था ना कि भाई 8 बिट्स होती हैं हमारे पास, उसको मिला के एक बाइट बनता है, तो पहला 0 है फिर 1 है फिर 1 है, तो अगर मैं बैठ जाऊँ, अगर इमेजिन करो अगर मैं एक सर्टेन टाइम के लिए, अच्छा उसमें मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव ऑन ऑफ 0 1 हाई लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है जो मुख्तलिफ फील्ड में उसको बोला जाता है, कंप्यूटर साइंस में हम उसको 0 1 बोलते हैं लेकिन डिफरेंट फील्ड में यही चीज़ है जिसके मुख्तलिफ नाम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव या हाई लो, जो जो लो लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर की के नीचे जो है ना, सॉफ्टवेयर के नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे फिर आती है फिज़िक्स वगैरह, और फिर उसके नीचे आती है केमिस्ट्री, तो मतलब ऐसे यानी आप अगर कंप्यूटर साइंस की डेप्थ में जाएंगे तो आप फिर इलेक्ट्रॉनिक से आपका वास्ता पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक की डेप्थ में जाएंगे तो फिर आपका वास्ता पड़ेगा फिज़िक्स से, और
क्योंकि फिजिकल फिनोमेना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी चीज़ें हैं, बिहेवियर है डायोड वगैरह का, और डिफरेंट जो आपके मैटर्स जो हैं, जो क्या चार्ट बोलते हैं उसको, जो केमिकल का जो चार्ट होता है, पीरियोडिक टेबल के, वो जितने मैटर्स हैं वो उनका एक फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल बिहेवियर है जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक्स को वो आगे पीछे कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आप डेप्थ में जाएंगे तो शायद आपको फिजिक्स मिले, और फिर फिजिक्स की डेप्थ में जाएंगे तो फिर वो केमिस्ट्री मिलेगी आपको। तो मतलब इस तरह से ही, लेकिन हम अभी कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर अंदर रहेंगे। तो हमने देखा कि कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, अगर एक तार है मेरे पास, वो मेरे पास यहाँ है, और एक मैंने बंदा खड़ा किया हुआ वो कोने में, या मैंने जैसे दो मोर्चे की मिसाल देता हूँ मैं अक्सर, आपकी भी शायद मैंने यही मिसाल दी होगी, ये एक मोर्चा है, इसके अंदर मैंने एक बटन लगाया हुआ है, और इस बटन के जो बल्ब है वो दूसरे मोर्चे में लगा दिया मैंने। तो मैं इस बटन को अगर मैंने सेटिंग कर ली यार, तीन दफ़ा ऑन ऑफ करूँ तो इसका मतलब है ये, चार दफ़ा ऑन ऑफ करूँ तो इसका मतलब है ये। अब मैं अगर जैसे मोर्स कोड का जिक्र किया होगा मैंने उस टाइम, कि मोर्स कोड होता है उसमें वो प्रिजनर्स आपस में बात करते हैं, एयरफोर्स वाले भी आपस में मोर्स कोड में बात करते हैं जब वो बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दूर कम्युनिकेशन करनी होती है ना, लेज़र लाइट से टिक 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 करके वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, मूवीज़ में देखा होगा आपने। तो मतलब अगर मैं ये वाली सेटिंग कर लूँ कि यार यहाँ पे मोर्चा एक, यहाँ से मैं बटन दबाऊँ आठ दफ़ा अलग अलग, मैंने कहा यार एक सेकेंड जो है ना वो एक डेटा है मेरा, तो एक सेकेंड मैंने ऑन किया बल्ब को तो इसका मतलब बंद, फिर अगले सेकंड भी ऑन रखा मैंने तो मतलब दो बना गया, फिर उसके अगले सेकंड मैंने ऑफ रखा तो एक जीरो आ गया, सही ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक बाइनरी अगर लिख देता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। तो अब इसको मैंने क्या करना है, अगर भेजना है मुझे दूसरे मोर्चे में तो मैं दो सेकंड तक मैं ऑफ रखूँगा लाइट, फिर दो सेकंड तक ऑन रखूँगा, फिर एक सेकंड ऑफ रखूँगा, फिर एक सेकंड ऑन, फिर एक सेकंड ऑफ, फिर एक सेकंड ऑन। तो ये मेरा पूरा बिट ट्रांसफ़र हो गया एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में। इंटरनेट में एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है। जो कैट सिक्स केबल होती है उसमें आई थिंक 1.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के दरमियान ना, अगर 1.5 वोल्ट को वो कहते हैं लो है ये, और 5 वोल्ट को कहते हैं कि हाई है ये। तो ये काम लो हाई करके करते हैं 0 1, और फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर ये काम क्या करते हैं, बत्ती को ऑन ऑफ करके करते हैं। उसमें वैसे तो वो नज़र नहीं आती लाइट, लेकिन उसको देखा जा सकता है, और वो ज़ाहिर है इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ होती है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको देखना, लेकिन एक्चुअल में हो यही रहा होता है कि यहाँ से बल्ब जल रहा है रेड कलर का, और दूसरे कोने में राउटर लगा हुआ है जो उसको रिसीव कर रहा है। तो यहाँ से जो 0 1 भेज रहे हैं ना, तो असल में बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं, जितनी देर ऑफ रहेगा वो 0s है, जितनी देर ऑन रहेगा वो 1s है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, या ओवर द टेलीफोन, या ओवर द वायरलेस, एवरीथिंग इज़ डूइंग द सेम। वायरलेस जो है वो भी इसी तरह काम कर रहा है, रेडियो जो चल रहा है वो भी इसी तरह काम कर रहा है, आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बिट्स एंड बाइट्स जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो बिल्कुल इसी तरह कर रहा है। अच्छा, ये वायर्ड मैंने बता दिया, वायरलेस में भी यही होता है। वायरलेस में भी क्या होता है, यही होता है, जैसे वाईफाई है वायरलेस है, तो वायरलेस में वो क्या करते हैं, वो साउंड के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, साउंड के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। मिसाल के तौर पर वाईफाई कितने हर्ट्ज़ पे चलता है बता सकते हैं कोई? जो पुराने वाले वाईफाई थे वो 2.5 हर्ट्ज़ पे चलते थे, 2.5 गीगा हर्ट्ज़ पे, नए वाले जो हैं वो 5 गीगा हर्ट्ज़ पे चलते हैं, है ना, जिसको 5G भी बोलते हैं, नया वाला जो वाई वो 5G फ़ोन वाला अलग है, ये वाईफाई वाला 5G अलग है। तो 5 गीगा हर्ट्ज़ का एक स्पीकर है जो ऑन है हर वक्त, और ज़ाहिर है 5 गीगा हर्ट्ज़ हमारे हेयरिंग की कैपेसिटी से ऊपर है, तो हम वो सुन नहीं सकते, ठीक है, हम वो 5 गीगा का जो साउंड है वो सुनने, अगर हम वो सुनने लग जाएँ तो हमारे इर्द गिर्द बहुत शोर है इस वक्त। वाईफाई के बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं, फिर 4G के एंटीनाज लगे हुए हैं टावर पे, तो ये शोर है, बहुत ज़्यादा शोर है ये, ठीक है। कुछ एनिमल्स में भी होते होंगे जो सुन लेते होंगे ये, तो यही वजह है कि सिटी में आके ना जो डॉग्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो सिटी में आके थोड़े पागल हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। जाहिर है जितनी भी, जैसे वाईफाई तो वो टेस्टेड है, उसको IEEE ने अच्छे से टेस्ट कर लिया कि भाई एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं है ये वो सब कुछ, लेकिन जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो इतनी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट नहीं हुई हुई हैं, और वो मतलब ह्यूमंस के साथ तो होता है, ह्यूमन तो उसको भाई यूज़ ही नहीं करते, बोलते हैं भाई बेकार है ये। जैसे एक डॉग का मफलर होता है, कॉलर होता है, पता नहीं क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप गले में एक डॉग के ना एक ऐसे डाल देते हैं, वो जब वो ज़्यादा भूखता है ना, तंग हो जाता है यार ये भूखे जा रहा है बार बार क्या करें, तो वो रिमोट होता है उसका, वो दबाते हैं और चुप हो जाता है। कैसे चुप होता है पता है,
वो इसी तरह होता है, उसमें छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए होते हैं जो इंसान की हेयरिंग से तो ऊपर होते हैं लेकिन वो डॉग की हेयरिंग में होते हैं, तो वो ज़ोर से वो स्पीकर बजता है ना टीट करके, उसका सारी घूम सुन हो जाता है, बोलता है यार ये क्या हो गया। और जब जब भूखता है ना उसको वो देते रहते हैं ना डोज, तो उसकी ट्रेनिंग हो जाती है कि अच्छा यार मैं अगर ये आ रहा है ना इसका मतलब है भूखना नहीं है मैंने, वरना ये बार बार दबाएगा बटन। अच्छा बंदे को पता ही नहीं चलता वो दबा रहा होता है टक टक टक। अच्छा इससे पहले और ब्रूटल था, इससे पहले वो करंट वरंट का कोई चक्कर था, वो गले में लगा होता तो वो शॉक लगता था उसको, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया, अब ये नया वाला आ गया। तो ये कर रहे हैं भाई इंसान, सही है। अब क्या चक्कर है इसका, अब हमें ये कैसे हम करेंगे। अब सवाल ये है कि ये हमें समझ में तो आ गया कि बेसिक प्रिंसिपल जो है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन का, वो हमें ये करना है कि ये 0-1 को हमें तारों में ट्रैवल करवाना है। अच्छा तो इसके लिए नॉर्मली किया ये जाता है कि जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, ये गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, तो अब वहाँ पे ना 7 लेयर्स बनी हुई होती हैं, जो नेटवर्किंग की 7 लेयर्स सब लोगों ने पढ़ी होंगी, शायद नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेंगे कभी ना कभी। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर हार्डवेयर लेयर, फिर नेटवर्क, पता नहीं कौन कौन सी होती है, तो उसके ज़रिए ना वो आखिरी लेयर तक आते आते वो बिल्कुल 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है डेटा। अब फिर वो तारों में डलता है, तारों में डलता है जब, और सामने जब पहुंचता है जहां भी मैंने भेजना है वहां जब पहुंचता है, तो वहां पे वो 7 लेयर ना बैकवर्ड स्टेप में होता है, यानी बाइनरी से वापस इसको जो टेक्स्ट डेटा या जो भी भेजा होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, वो मैसेज को समझता है, फिर वो उसी तरह दोबारा रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स भेजने के लिए वो 7 लेयर करके दोबारा बाइनरी बनाएगा, और हमारे पास जब वो रिस्पॉन्स पहुँचेगा तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा, हम उसको वो 7 लेयर रिवर्स करके दोबारा टेक्स्ट की फॉर्म में लाएंगे या जो भी एक्चुअल में था वो उस पर लाएंगे। तो अब ये काम कौन करेगा, ये काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम ये काम कैसे करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं उसमें ये ऑटोमेटिक सब काम हुआ है। मुश्किल काम है ना, लेकिन आसान हुआ है हमारे लिए, तो हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो इसके लिए हम लाइब्रेरी एक इस्तेमाल करेंगे एक्सियोस की ना। अच्छा एक्सियोस इज़ वन ऑफ द लाइब्रेरीज, बहुत सारी इसके अलावा भी हैं। हम एक्सियोस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है, ठीक है। अच्छा इसको कैसे अटैच करेंगे हम, ये देखो इसका CDN ये लिखा हुआ है, ये 2 CDN है, दोनों में से कोई भी लगा लें एक ही बात है। मेरे ख्याल छोटा वाला ये है तो छोटा वाला लगा देते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला CDN मैंने कहाँ पे लगा दिया, ये हेड के बाद यहाँ पे लगा दिया, या मैं इसको नीचे भी लगा सकता हूँ बॉडी के, सही है, ये इसको मैं बॉडी के नीचे भी लगा सकता हूँ, दोनों जगह पे मेरे लिए फाइन है। अच्छा मैं नीचे और ऊपर जब लगाते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, अगर मैं इसको ऊपर लगाऊंगा ना तो लाइब्रेरी पहले लोड होगी, जिससे मेरा पेज स्लो डाउन होगा, पेज जो मेरा लोड हो रहा है ना वो स्लो डाउन होगा मेरा, ठीक है, अगर मैं इसको शुरू में लगाता हूँ तो। लेकिन अगर तो मेरा जो पेज का कंटेंट है वो इस लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट है, कि अगर वो लाइब्रेरी पहले लोड नहीं होती तो मेरा पेज सही तरह डिस्प्ले नहीं होगा, तो फिर मुझे उसको ऊपर लगाना होगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप वगैरह होती है CSS का जो फ्रेमवर्क होता है उस पर पेज डिपेंडेंट है मेरा, तो उसको मैं फिर टॉप पे ही लगाऊंगा, पेज थोड़ा स्लो करके अपना उसको मैं टॉप पे लगाऊंगा। अच्छा जैसे कि एक्सियोस है, एक्सियोस वगैरह टाइप की जो लाइब्रेरी है वो कब कॉल होती है, कब इस्तेमाल होती है, जब आपका पेज कंप्लीटली लोड हो जाता है, फिर यूज़र कोई बटन प्रेस करता है तो ये चलती है। तो इस तरह की लाइब्रेरी उसको मैं नीचे लगाऊंगा ताकि क्या हो, मेरा पेज जल्दी से लोड हो, और पेज लोड होने के बाद आराम आराम से वो नीचे लाइब्रेरी भी लोड होती है, सही है। तो इस तरह की लाइब्रेरी उसको मैं नीचे लगाता हूँ। अच्छा हमारी जो जावास्क्रिप्ट है जो हम लिखेंगे कस्टम, उसको मुझे नीचे लगाना ज़रूरी है, ऊपर लगाऊंगा ना तो वो मसला करता है समटाइम, क्योंकि अगर कोई आप गेट एलिमेंट बाई ID कर रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर कर रहे हैं, तो वो फिर ना वो एलिमेंट जब तक बने ही नहीं होते तो वो एरर देना शुरू कर देता है। तो आप जो खुद स्क्रिप्ट लिखेंगे वो तो नीचे ही लगानी है आपने, लेकिन लाइब्रेरीज़ में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको या तो ऊपर लगा लें या तो नीचे लगा लें, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए, सही है। अच्छा अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इंटरनेट से कम्युनिकेशन करनी है, तो अब इंटरनेट में मैंने किससे कम्युनिकेट करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेबसाइट है ओपन वेदर मैप करके, ये वेबसाइट क्या करती है, आपको ना डेटा दे देती है वेदर का, रियल टाइम डेटा। अब ये कहाँ से जुगाड़ करते हैं डेटा वो इनका मसला है, हमें लेकिन ये रियल टाइम डेटा दे देती है। जैसे सिटी सर्च में लिखा मैंने कराची, और एंटर का बटन, सर्च का बटन दबाया, अरे भाई आगे बढ़ो, तो ये कराची का ना इसने ये सारा डेटा मुझे डिस्प्ले करवा दिया, सही है।
तो ये तो ऐप इन्होंने बनाई हुई है, इसकी API भी इनके पास मौजूद है। अच्छा, API के लिए सबसे पहले मैं इस पर लॉग इन करूँगा, मैं पहले से लॉग इन हूँ, और लॉग इन करने के बाद मैं जाऊँगा माई API कीज़ में, सही है। अच्छा नहीं हूँ मैं लॉग इन करने कह रहा हूँ, चलो कर लेते हैं लॉग इन। अच्छा तो ये मैं API कीज़ में देखो आया हुआ इस वक्त, राइट। अच्छा यहाँ पे ये API की लिखी भी आ रही है, तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट करके ना पूरा कॉपी कर लिया, क्योंकि ये जाहिर है इनका इनका सर्वर है, तो इन्होंने सिक्योर किया हुआ है उसको कि कोई ऐसा बंदा जो लॉगिन ना हो वो इसको इस्तेमाल ना भी। तो ये मेरी API की आ गई मेरे पास। उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा इनकी, ये रहा ये API, सही हो गया। अच्छा API इनकी कितनी तरह की है, इनकी है API बहुत तरह की, करंट वेदर, करंट वेदर में ये आवरली फॉरकास्ट है, डेली फॉरकास्ट है, बहुत सारा है। तो मुझे करंट वेदर चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो करंट वेदर डेटा के मैं API डॉक्यूमेंट में चला जाता हूँ, सही है। अच्छा सिर्फ करंट वाला ही है जो फ्री है, बाकी सारे पेड हैं, ये भी बता रहा हूँ। अच्छा मैंने बोला भाई ये URL मैंने कॉपी किया, कह रहे भाई ये है URL जिस पे API पे कम्युनिकेशन होगी, कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके मैं कहाँ ले आता हूँ इसको, यहाँ अपने पास, ये मेरा वो URL है। अच्छा इस URL में ना देखो लास्ट में ये कह रहा है कि API की मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सही है। तो मैं यहाँ पे ना ये वाली API की कट करके यहाँ लास्ट में लगा देता हूँ, सही है। तो API की का मसला तो हल हो गया। अच्छा अब उसके बाद ये कह रहा है मुझे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड चाहिए जिस जगह का वेदर आपको लेना है ना। तो ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा भी ना इसमें क्यू करके होता है, वो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन होता है, ठीक है। अच्छा यूनिट्स के वेदर किस यूनिट में आपको दिया जाएगा, स्टैंडर्ड जो है ना इनका वो है इंपीरियल ना, वो केल्विन में देता है, तो मैट्रिक वाला जो है वो सेंटीग्रेड वाला होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, यूनिट्स इसमें एक ऐड करूँगा और मैं बोलूँगा मैट्रिक, ठीक है। अच्छा ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, मैंने कहा कि भाई यूनिट्स इक्वल्स टू METRIC मैट्रिक, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं लास्ट में कर लेता हूँ मे बी, मैं एंड क्यू इक्वल्स टू, और कोई भी मैं सिटी का नाम लिख सकता हूँ कराची, ठीक है। ये इनके डॉक्यूमेंटेशन में किसी ना किसी जगह लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये कई दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, यहाँ सामने लिखा हुआ तो नहीं आ रहा लेकिन कहीं ना कहीं होगा अंदर। क्यू मीन्स मतलब क्वेरी, कोई भी क्वेरी आप इसको लिख के दे सकते हैं ना। अच्छा यहाँ इन्होंने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ही सिर्फ दिखाया हुआ है जी, क्यू इक्वल्स टू और आगे सिटी का नाम, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं मेंशन क्यों नहीं किया हुआ यार। ये तो रिस्पांस दिखा रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह का आएगा। वेल वो मैंने आपको बता दिया तो बस आपको पता चल गया, खैर हो गई। अच्छा इसमें ना लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे सकता हूँ मैं कि कोऑर्डिनेट्स, GPS के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, असल में पूरी जो दुनिया है ना उसको एक ग्राफ पेपर की तरह उस पर लाइनें खींची हुई हैं, तो वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ना उस ग्राफ पेपर का एक पॉइंट होता है एक्स और वाई का, समझ रहे हो ना बात। और जब GPS से जब हम गेट करते हैं ना कि मैं कहाँ खड़ा हुआ इस वक्त, तो GPS वो दो नंबर बताता है एक्स वाई के, कि आप इस जगह पर खड़े हुए उस पूरे ग्राफ के ऊपर, सही है। तो उसको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। असल में गूगल मैप पूरा उसी पर चलता है, जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स है ना वो सब GPS पे चलता है, GPS पे बेस कर रहे होते हैं, GPS पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो यही दो यूनिट्स का चक्कर है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे maps.google.com खोलूँगा और मैं जहाँ पे भी बैठा हुआ इस वक्त, ये मैंने यहाँ पे बोला कि यार मैं कहाँ बैठा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अब यार ये क्या हो रहा है, जैसे ये कुलसुम बैंक्वेट यहाँ शो हो रहा है, इसका मुझे अगर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए तो मैंने क्लिक किया ना, देखो इसने ये नीचे मुझे शो कर दिया कि ये इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो ये पूरा जो मैप है ना, आप इसको अगर माइनस करें, ये पूरा जो मैप है वो असल में एक ग्राफ पेपर की तरह इसको बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा वो ग्राफ पेपर यहाँ शो नहीं हो रहा, शो भी होता है समटाइम वो, अभी मैंने बल्कि जूम इन जूम आउट किया था थोड़ी देर के लिए शो हो गया था वो, एक मिनट लेयर्स में जाता हूँ। शो नहीं हो रहा वो,
डिफॉल्ट सैटेलाइट वही आ रहा है इसमें, छोड़ो बंद करो इसको बिगाड़ है। अच्छा तो ये मेरा वो URL है जिसपे मैंने क्या करना है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। अच्छा तो इसके लिए मुझे ये एक्सियोस की जो लाइब्रेरी मैंने ऊपर अटैच की है ना ये वाली, अच्छा मुझे मेरी स्क्रिप्ट से पहले इसको अटैच करना है क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में मैं उसको यूज़ करूँगा ना, math.js को जैसे यूज़ करूँगा तो मेरी स्क्रिप्ट से पहले होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा axios.get, ठीक है। अच्छा ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं axios की डॉक्यूमेंटेशन से देख रहा हूँ, ये है axios की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये देखो ये इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ऐसे करके गेट की रिक्वेस्ट लगेगी, सही है। तो मैं वहाँ से पूरा पेस्ट कर देता हूँ उठा के, ठीक है। axios.get उसके अंदर URL, axios.get में ये URL मैंने जो तैयार किया था इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। axios.get के अंदर URL.then.catch और उसके बाद .then, ये लास्ट वाला देन हमारे काम का नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ से जो रिस्पॉन्स अगर आ गया ना तो इधर आ जाएगा, अगर उसके दरमियान कोई एरर हो गया तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे console.log response, console.log error। अब मैंने कहा भाई कि ठीक है भाई अगर आपका जो रिस्पॉन्स आ जाए ना ओके, तो आप क्या करो, आप दो काम करो, एक तो console.log पे लिखोगे रिस्पॉन्स इज सक्सेस, ठीक है, और साथ में वो रिस्पॉन्स भी कर दो, response.data कर दो, सही है। क्योंकि रिस्पॉन्स तो एक हेडर वेडर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो रिस्पॉन्स में जो डेटा आया मुझे वो चाहिए, तो इसलिए मैं response.data लगा रहा हूँ। ये भी मुझे बात किसने बताई, axios की लाइब्रेरी ने बताई कि आपको रिस्पॉन्स के अंदर ना डॉट डेटा करके वो चीज़ मिलेगी जो वहाँ से वापस आपको भेजी गई है, ठीक है। तो मैं असल में क्या कर रहा हूँ, क्लाउड में मौजूद किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ओवर द इंटरनेट, और वो मुझे रिस्पॉन्स भेज रहा है, और रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है उसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा इसको अब चला के देखते हैं ज़रा क्या रिपोर्ट है। ये मैंने एक न्यू टैब खोला, पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने इंस्पेक्ट पे गया, मैं कॉन्सोल पे गया। अच्छा देखो मैंने क्योंकि ना कोई फंक्शन नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है, पेज लोड होते ही ये खुद ही चल जाएगा, लेकिन हमें तो इसको बटन के क्लिक पे लगाना है ना, हमें पेज लोड होने पर नहीं लगाना, हमें बटन के क्लिक पे लगाना है। अच्छा तो देखो रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक ये पूरा वेदर का डेटा आ गया, सही है। लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं करना, मुझे तो क्या करना है, इसके अंदर एक वेदर ऐप बनानी है ना मुझे, तो मैं वेदर ऐप में क्या करूँगा, फॉर्म और एक्शन को हटा देता हूँ। मैंने कहा ऑन सबमिट, मैंने कहा यार गेट वेदर कॉल सिग्नेचर, उसके बाद रिटर्न फॉल्स ताकि ये रिफ्रेश ना हो, और उसके बाद मैंने कहा कि यार इनपुट टेक्स्ट होगा मेरा, उसकी आईडी होगी सिटी नेम, और उसके बाद एक अदद बटन होगा, इस पर लिखा होगा गेट वेदर, सही है। इस बटन पर मैं लगा दूंगा टाइप सबमिट, बिल्कुल सही है। अच्छा और गेट वेदर का एक फंक्शन बना दूंगा मैं, और तमाम का तमाम कोड उस फंक्शन के अंदर कर दूंगा। मैंने कहा लेट गेट वेदर इक्वल्स टू अ फंक्शन, और मैंने कहा ये तमाम का तमाम कोड जो है ना इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। मतलब ये फंक्शन चलेगा तो axios.get करेंगे तो इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अच्छा आते हैं अब ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं, ये बना हुआ आ गया मेरे पास। अब मैंने इसमें लिखा लाहौर और गेट वेदर, तो ये देखो क्या आ गया मेरे पास, अभी भी कराची, ओके यस। मैंने फिक्स किया हुआ है कराची, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा लेट सिटी नेम इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सिटी नेम यही था आईडी इसका, डॉट
वैल्यू, इसमें से मैंने वैल्यू उठाई और अब ये सिटी नेम मुझे कहाँ लगाना है, इस जगह पे लगाना है। तो मैं इसको ना टेम्पलेट बना देता हूँ ES6 वाला, सही है। ES6 का टेम्पलेट सब लोगों को पता है, इसके हैं अच्छा देखो मैं बता देता हूँ, जो ये ना बैक टिक है, सही है, ये बैक टिक है, ये सिंगल कोट नहीं है। सिंगल कोट देखो ऐसा होता है और बैक टिक ऐसा होता है। ये बटन आपके कीबोर्ड में कहाँ मौजूद होता है, बैक टिक का एस्केप का बटन है, उसके नीचे होता है जिस पे अलिफ मद्दा बना हुआ है ना, जिस बटन पे हाइफन, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो अलिफ मद्दा आएगा और वरना ये वाला आएगा, सही है। तो ये आपने जब इसको लिखा ना बैक टिक में, तो ये बन जाता है ES6 का स्ट्रिंग। ये ES6 से पहले ये नहीं था मौजूद, ES6 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा तो अब इसका बेनिफिट ये है कि इस स्ट्रिंग के दरमियान में ना कहीं पे भी आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है, कोई वेरिएबल लिखना है, तो वो आप लिख सकते हैं ईजिली। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये कराची है ना, इसकी जगह पे मुझे क्या लाना है, एक वेरिएबल लाना है सिटी नेम। तो मैं क्या करूँगा, कराची को हटा दूँगा, इसकी जगह मैं बोला डॉलर, और यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा ना सिटी नेम, तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रिंग बनेगा ना अल्टीमेट, उसमें ये जगह गायब हो जाएगी और इस जगह की जगह ना वो वेरिएबल एक्चुअल आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है इसका ES6 के टेम्पलेट, इसको ES6 टेम्पलेट्स कहते हैं। वैसे तो है स्ट्रिंग ही, लेकिन इसको टेम्पलेट, तो टेम्पलेट इसीलिए बोलते हैं। अब मैं बीच में जितने चाहूँ वेरिएबल्स बना दूँ। अच्छा अगर मैं ये काम नहीं करता तो फिर कैसे होता, ES6 से पहले काम कैसे होता था, हाँ प्लस प्लस करके ना कॉन्कैट करवाते थे। अब इमेजिन करो बड़ा पैराग्राफ है, उसके बीच में 6-7 इस तरह के वेरिएबल हैं, तो कैसे होगा, बड़ा मसला होता था उसमें, ठीक है, देखने में ना मैसी लगता था काम। ये भी वही हो रहा है, सिंटैटिक शुगर है, थोड़ा सिंटैक्स बेहतर है इसका, काम ये वही हो रहा है जो पहले होता था। अभी क्यू करके जो लिखा है ना आपने, इसमें असल में इसको चाहिए होता है क्वेरी। क्वेरी में आप सिटी, कंट्री, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। मैं पाकिस्तान लिखूंगा तो भी आ जाएगा वो, हाँ ग्लोबल करके देखना, मैंने करके नहीं देखा। अब मैंने लिखा कनाडा गेट वेदर, हाँ तो देखो इसने ना कनाडा लिखा हुआ, क्यों नहीं आ रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा, अच्छा सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ग्लोबल, तो ये कह रहे थे ग्लोबल चाहिए, नहीं ग्लोबल पे एरर दे रहा है ये, सही है। देखो एरर आया ना तो एरर वाला प्रिंट हुआ है, सही है। अच्छा तो वेल अभी इसमें किसी भी सिटी का हम नाम लिख सकते हैं, तो मैंने कहा लाहौर, एंटर, तो ये मुझे लाहौर का इसने ना डेटा ला के दे दिया, ठीक है। अब देखो लाहौर में क्या है, टेम्परेचर 29 है, फील्स लाइक 30, मिनिमम टेम्परेचर 27 रहा है आज, मैक्सिमम 29.9 रहा है, ये करंट अभी अभी राइट नाउ, हाँ यही होगा। कराची का लिखते हैं ना, कराची एंटर, ठीक है, कराची का अभी टेम्परेचर 26.9 है इसके मुताबिक, ठीक है, 26.9 मतलब 27 ही है ऑलमोस्ट, सही है। अच्छा मिनिमम गूगल बोल रहा है कि मिनिमम क्या था आज का, कहाँ बता रहा है मिनिमम ये, अच्छा ये रहा 25-32 मिनिमम मैक्सिमम है, 25-32 है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, 26, थोड़ा गलत बता रहा है, मिनिमम मैक्सिमम ना थोड़ा सही नहीं बता रहा है। अच्छा ये क्योंकि डिफरेंट वेदर चैनल है, गूगल जहाँ से चैनल से लाता है वो डिफरेंट है। अब ये वेदर चैनल्स क्या होते हैं इसको अलग से गूगल कर लेना, ठीक है, एक वेदर चैनल का डेटा जो है वो दूसरे चैनल से मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट ये सही बताता है, ठीक है, ऑन एवरेज ये सही बता रहा होता है, तो थोड़ी एक्यूरेसी लेकिन डिफरेंट है। अच्छा तो ये हमने देख लिया भाई कि हमारे पास क्या मिलना शुरू हो गया, वेदर का डेटा। अब इस डेटा को स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाएं, ये एरे तो नहीं है ना, ये टेक्स्ट है, ये है क्या, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रोक देते हैं थोड़ी देर और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ देते हैं जल्दी से, है ना, ऑब्जेक्ट्स को जैसे ही हम पढ़ देंगे तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा ES6 के फंक्शन में मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया था, नहीं कुछ नहीं छोड़ा था, ठीक है। अच्छा ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि exhaust.get एक फंक्शन है, ये तो साफ जाहिर है बिल्कुल। अच्छा ये आपको क्या काम करवा के दे रहा है,
इंटरनेट पे कम्युनिकेशन आपके लिए आसान बना रहा है। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि बहुत सारे फंक्शंस जो होंगे ना, ज़्यादातर फंक्शन हम खुद नहीं लिखेंगे, किसी का लिखा हुआ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये वो आपने दो चीज़ों में एक्सपीरियंस कर लिया, Math.js और Axios। जी नहीं, देखो ये इंटरनेट से जो कम्युनिकेशन है ना, तो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन जो होती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बात हो रही होती है, तो जाहिर है इंटरनेट पे कोई कंप्यूटर होगा उसी से आप बात करेंगे ना। तो Axios जैसी और भी थर्ड पार्टी सर्विस है। Axios तो जस्ट बात करवा रहा है आपकी। इमेजिन करेंगे Axios जो है ना वो आपका मोबाइल फ़ोन है, लेकिन बात आप किसी बंदे से करेंगे, तो ये वो URL जो है ना, ये किसी सर्वर का URL है। हाँ, ये नंबर है। Axios के अलावा लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जैसे फैच एक लाइब्रेरी है, उससे भी हम काम करते हैं। Axios के अलावा बहुत सारी हैं, हम Axios इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये आसान है। हाँ, मेथड से नहीं, जाहिर है जो लाइब्रेरी होती है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको बताती है कि इस लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है, लेकिन मोर और लेस ये जो तरीका है ना, मोर और लेस बिल्कुल सेम है कि भाई एक URL होगा, उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट होगी गेट की या पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी, तो मोर और लेस सेम है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो लाइब्रेरी होती है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको बताती है कि इस लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है। एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी से मुख्तलिफ हो सकती है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं भाई इंटरनेट पे ऐसे ही कम्युनिकेशन होगी। हो सकता है वो बोले कि यार ये URL मुझे बिल्कुल लास्ट में दो, शुरू में एक आप कॉन्फ़िगरेशन दो, आप मुझे मतलब SSL की कीज़ दो, बहुत सारी चीज़ें आपसे मांग सकता है वो। और कोई सवाल किसी का? तो हमने क्या देखा कि इंटरनेट पे जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ना, एक तो कंप्यूटर है हमारा, हम जहाँ से बैठे हैं तो हमारा कंप्यूटर क्लाउड में मौजूद किसी कंप्यूटर से बात करता है, तो उस कंप्यूटर का ना ये एड्रेस है। अच्छा, अभी हम ये सर्वर किसी और का सर्वर है जिससे हम बात कर रहे हैं, किसी और का कंप्यूटर है क्लाउड में जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम क्लाउड पे अपना सर्वर बना के डिप्लॉय करेंगे, तो ये जो URL है ना, फिर ये आपके सर्वर का होगा। अभी तो आपका सर्वर नहीं, अभी आपको नहीं पता कि कैसे बना हुआ है, क्या हुआ है, ये सर्वर बहुत जल्दी आपका खुद का सर्वर होगा, अपना ही सर्वर रखेंगे बना के, उससे हम बात करेंगे, देखते हैं फिर वो क्या करता है। अभी ये थर्ड पार्टी है, और क्या कहते हैं ये Axios जो है ये बीच में हेल्पर लाइब्रेरी का काम कर रहा है। Axios का होना ज़रूरी नहीं है इस कम्युनिकेशन के लिए, मैं Axios के बगैर भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, मुझे लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसमें गलतियाँ होंगी मुझसे, उसको निपटाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा उस कोड को। लाइब्रेरी यूज़ करने से मेरा टाइम बचा, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, पीछे अंडर द हुड ये क्या कर रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। जैसे मैथ की लाइब्रेरी फिर भी ना डेरिवेटिव यार असल में होते कैसे, इसमें अंदर क्या कर रहा है कैसे कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब एटलीस्ट इस लेवल पर। यानी जब आप होंगे ना आर्किटेक्चर लेवल पर, जब गूगल का CEO लगेंगे आप, तो फिर वो बात अलग है, लेकिन अभी इस लेवल पे ना इसको अभी अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्त, हाँ नहीं, लाइब्रेरीज से ही तो काम होता है, अलाओ क्या मतलब, लाइब्रेरीज के बगैर कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइब्रेरीज के बगैर ना कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, अब जो एक तो होती है लाइब्रेरी ना, जैसे Axios है ये लाइब्रेरी है, और एक है ये सर्वर ओपन वेदर API, ये दो चीज़ें हैं, दोनों में से कोई भी बंद हो सकता है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कंसर्न शो किया अपना कि यार इन दोनों में से अगर कोई भी एक बंद हो गया तो फिर क्या होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं ये ओपन वेदर API की, ये है सर्विस और ये है पेड। फ्री में तो ये देता है चुनना सा, 1,00,000 API कॉल देता है शुरू में ये, और वो भी करंट वेदर वाला, पिछले 10 दिन अगले 4 दिन वो सब नहीं है, फोरकास्ट वगैरह में पेड है ये। तो ये तो भाई कमा रहा है पैसे, ओपन वेदर है, इसको जब तक आप पैसे देंगे आप बहुत अच्छे हैं इसके लिए, जिस दिन आपने पैसे देना बंद किए तो ये टाटा बाय बाय। तो पॉइंट कहने का ये कि ये बंद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक पैसे कमाता रहेगा ये बंद नहीं होगा। अगर ये बंद होगा तो जाहिर है आपकी ऐप, अगर जैसे वेदर ऐप ही है तो बंद हो जाएगी आपकी ऐप, आपका डेटा आना बंद हो जाएगा। तो फिर आप ये करेंगे कि इस तरह की दूसरी सर्विसेज हैं वो देखेंगे आप, जैसे एक weatherapi.com के नाम से भी एक है, वो भी कुछ फ्री में देता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा वेदर चैनल मैंने देखा अभी तक वो IBM वालों का है, ठीक है, उसका नाम है दी वेदर चैनल। एप्पल वगैरह भी उसी से डेटा गैट करते हैं ना, जैसे ये ना
हाँ, ये गूगल भी उसी से डाटा कलेक्ट करके ला रहा है। ये ना दी वेदर चैनल इसका नाम है, ये IBM वालों ने ख़रीदा हुआ है। पहले किसी और का था ये, फिर बाद में IBM ने ख़रीद लिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वेदर चैनल है, जो एप्पल के कंप्यूटर्स जो होते हैं ना और एप्पल के फ़ोन जो होते हैं उसमें भी यहीं से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, और एंड्रॉयड वाले भी शायद इसी से करते हैं, शायद ये पता नहीं याहू से करते हैं। दूसरा बड़ा चैनल है याहू वालों का, बहुत बड़ा वेदर चैनल है। अब तो खैर याहू के खुद लाले पड़े हैं, तो पता नहीं उनका वेदर चैनल किसी ने ख़रीद लिया क्या किया, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा उसका भी। तो ये वाला सीन है। अच्छा, दूसरी चीज़ है हमारे पास ये लाइब्रेरी एक्सियोस। ये लाइब्रेरी अगर बंद हो गई तो क्या होगा? ये लाइब्रेरी अगर बंद हो गई ना तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी ऐप वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही है, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो है ना ये है ओपन सोर्स। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो सारी ओपन सोर्स होती हैं, क्योंकि जब हम इंस्टॉल करते हैं ना इस लाइब्रेरी को तो पूरा का पूरा कोड आपके पास आ जाता है। हाँ, ये होगा कि अगर एक्सियोस ने, देखो एक्सियोस के मैं इस पे जाऊंगा ना डॉक्यूमेंटेशन पे, तो यहाँ इसकी गिटहब का लिंक होगा। ये रहा, देखो गिटहब का लिंक है, मैं इस पे चला गया। अब ये गिटहब का लिंक है ना, देखो इतने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि यार इनफ लोग इसको यूज़ कर भी रहे हैं इस लाइब्रेरी को, नहीं कर रहे। तो ये देखना पहली बात तो ज़रूरी है। एक्सियोस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, तो इसको बहुत ज़्यादा इस पर स्टार्स हैं, ठीक है। तकरीबन इस पर 96K का मतलब 1000, तकरीबन 100,000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, 100,000 प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, स्टार जैसे मैंने नहीं स्टार बनाया हुआ तो मेरा नहीं शो हो रहा, ये वो लोग हैं जिनको अच्छा लगा ही, जिन्होंने स्टार पर क्लिक किया। यूज़ और भी बहुत सारे कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने अभी तक देखो स्टार पर क्लिक नहीं किया हुआ, ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये मैं वापस हटा देता हूँ स्टार। वॉच ये होता है कि इसमें जब भी कोई चेंज हो ना तो नोटिफिकेशन आए उसके पास, तो ज़ाहिर है हर बंदा नोटिफिकेशन इतनी नहीं चाहता, तो इसलिए उसने बंद किया हुआ, ठीक है। इश्यूज़ जो आते हैं इसके अंदर वो यहाँ पे लोग लगाते हैं, तो देखो इश्यूज़ ना 3000 इश्यूज़ इन्होंने क्लोज़ किए हैं और 161 अभी ओपन है, तो इश्यूज़ भी ये रिजॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके जो वर्जन आए ना अभी तक वो भी यहाँ लिखा हुआ होगा। कोड में गया मैं और कोड में जाके मैंने टैग्स पे क्लिक किया। ये टैग्स में क्या होता है, ये इसके वर्जन जो है ना अभी तक कितने आ चुके हैं वो लिस्ट आ रही है। अभी इसका जो है ना V1 अल्फा आया है, June 1 को आया है, ठीक है। उससे पहले ये 0. समथिंग में चल रहा था। तो अगर ये नया वर्जन आना बंद हो जाए ना इसका, तो आपका कोड कुछ भी नहीं होगा, सही वैसे ही रखा रहेगा। हाँ, लेकिन उसके जो बग्स हैं ना वो फिर आप कौन सॉल्व करेगा वो, तो अल्टीमेटली आपको किसी दूसरी लाइब्रेरी में मूव करना पड़ेगा। लेकिन आप ना करें तो कोई ऐसा अर्जेंट सीन नहीं है, क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम का तमाम कोड जो है वो क्या हो जाता है, उठ के आपके पास आ जाता है, और ये कोड ओपन सोर्स है। यहाँ पर ये जो पूरा कोड है इसका, ये लाइब्रेरी का, ठीक है, ये इतने सारे लोग इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 7.3 मिलियन पीपल हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, और 375 लोग हैं जो इसको बना रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जाके आप भी कॉन्ट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ये। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? नहीं, वो CDN डाउनलोड ही है असल में, वो CDN असल में ना देखो है किसका, वो ये CDN है unpack.com वालों का। ये अनपैकेज जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये कंपनी है, ये किसी भी जो फेमस लाइब्रेरीज होती है ना उनको ये डाउनलोड कर लेता है, और डाउनलोड करके ना उसका CDN बना देता है। तो अगर वो बंद भी हो जाए ना तो अनपैक एक डिफरेंट कंपनी है जो CDN प्रोवाइडर है, ठीक है। हाँ, अनपैक अगर बंद होगा तो वो CDN बंद हो जाएगा आपका, तो CDN किसी और का लगा लें आप उस लाइब्रेरी का ना। यहाँ देखो ये बिन है ना, जो ये जो इसका बिन है, इसके अंदर ये फाइल इसके अंदर पड़ी हुई भी होती है। अच्छा, अभी तो नहीं है वो, मेरे ख्याल है बिल्ड नहीं चली हुई, लेकिन आप CDN यहाँ से अगर क्लिक करेंगे इस पर कंट्रोल क्लिक, तो ये CDN का ना पूरा कोड आ गया। तो आप CDN ना लगाओ, इस कोड को आप एक फाइल में करके लगा लो, ठीक है, ये मिनीफाइड कोड है। तो आप इसको कंट्रोल एस करेंगे ना जब, तो ये एक फाइल आ जाएगी exios.min.js। तो आप इसको अपने पास सेव कर लो फोल्डर के अंदर, जैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो वैसे साथ में इसको भी अटैच कर दो, तो इट इज़ गोइंग टू वर्क सेम। अच्छा, इसमें बाय द वे अगर मुझे मिनीफाइड कोड नहीं, मिनीफाइड क्या होता है, मिनीफिकेशन एक टेक्निक होती है, ठीक है, दो टेक्निक होती है, मिनीफाई और अग्लीफाई। तो ये मिनीफाई क्या करता है, आपके कोड के साइज़ को छोटा कर देता है, ठीक है। तो ये अप्लाई की हुई होती है इन्होंने टेक्निक्स, इसीलिए कोड आपको कीड़ा मकोड़ा दिख रहा है। तो मिनीफाई जो है आपके कोड के साइज़ को छोटा कर देता है, आपके जो लंबे लंबे वेरिएबल के नाम होते हैं उसको छोटा कर देता है, ताकि कोड का ओवरऑल साइज़ कम हो जाए। जब भी आप देख रहे हैं ये देखें कोड कितना छोटा सा है, ये देखें
ये कोड है इसका टोटल। हाँ ये छोटा है, अभी फुल वर्जन इसका अगर देखना है तो ये मिन हटा दूंगा ना मैं, तो ये फुल वर्जन दिखा देगा आपको ना, ठीक है। exhaust.min.js था ना, मैंने मिन हटा दिया, मिन का मतलब होता है मिनीफाइड, ये इसने ओरिजिनल कोड उठा के लिखा है। देखो ये कोड लंबा है नस्बतन ना उसके, मतलब उसके नस्बत लंबा है ना जो पहले खुला हुआ था, सही है। तो ये इन्होंने भाई मेहनत की हुई है, और जो हमें करनी पड़ती वरना ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए लाइब्रेरी तैयार की हुई है, ये इन्होंने कर ली, वरना हम खुद कर रहे होते ये कोड। हमारे पास अपडेट नहीं आएगी, सी डी एन में ही होता है, अपडेटेड रहेगा हमेशा। वेल अभी तो हम ये HTML CSS पे कोड लिख रहे हैं ना हम, अगर ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, अदरवाइज जब हम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं ना तो फिर इसकी अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसमें हम इंस्टॉल करते हैं बाकायदा, और उसमें अपडेट वगैरह का सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें तो ये है ना कि यार अब कर ली तो वही रहेगा आपके पास, ठीक है। फ्रेमवर्क में इसका बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ होता है, NPM के जरिए इंस्टॉल होता है ये ना, और नॉट मॉड्यूल का एक फोल्डर होता है उसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो आप वर्जन उस पर मैंशन कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या रखना है, आपको फिक्स वर्जन रखना है या लेटेस्ट, हमेशा लेटेस्ट यूज़ करना है। तो जब भी आपकी ऐप चलती है ना सर्वर पे जाके, तो वो लेटेस्ट इंस्टॉल करता है उसमें खुद से, तो वो लेकिन अभी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर हम फ्रेमवर्क पर काम नहीं कर रहे, हम प्लेन जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई आपके जो है ना इस पर, अच्छा बल्कि इसी में कर लेते हैं ना, इसी दूसरी फाइल बनाने की क्या ज़रूरत है, इसी में कर लेते हैं। कोर्स का जो रोड मैप है हमारे, वो जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद हमारा सर्वर है, तो सर्वर पढ़ लेते हैं, फिर डेटाबेस पढ़ लेंगे, इतने तक सर्वाइव कर दो। उसके बाद जो वो अलेक्सा स्किल गेट है, डायलॉग फ्लो, बस नहीं जॉब तो इंशाल्लाह उससे पहले लग जाएगी तुम लोगों की, जॉब कोर्स में आखिर तक जो सरवाइव करेगा ना, तो उस जॉब तो इंशाल्लाह उसकी पहले ही लग जाएगी, क्योंकि चैटबॉट में जॉब्स हैं बदले नहीं हैं इस वक्त। अच्छा वेल देखो ऑब्जेक्ट समझा देता हूँ कैसे होता है। मैंने कहा लेट, हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, नंबर स्ट्रिंग बूलियन एरे, अब ये ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ डेटा टाइप्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं। तो ये हमने बूलियन, नंबर स्ट्रिंग, एरे ये पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट्स आखिरी है जो डेटा टाइप है, ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है। अच्छा मैंने कहा लेट, और लेट के साथ मैं क्या लिखूँगा, कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे मैं पहले लिखता था, तो मैंने कहा कि यार वेदर, जो चलो एस टी डी लिख देता हूँ, ठीक है, एस टी डी फॉर स्टूडेंट, कोई भी नाम लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ किया, ठीक है। एरे में मैं ये नहीं करता था, एरे में क्या करता था मैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता था, सही है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट करने के आ रहा है। इसमें मैं ऐसे करता था, और इसमें वैल्यूज़ कैसे रखता था, कॉमा सेपरेटेड, और स्ट्रिंग भी रख सकता था इसमें, साथ में बूलियन भी रख सकता था, लेकिन कॉमा सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, इसमें मैं लिखता हूँ की वैल्यू पेयर, इसके अंदर मैं डिपेंडेंट होता था इंडेक्स के ऊपर, कि भाई जीरो इंडेक्स पर क्या है, वन इंडेक्स पर क्या है, टू इंडेक्स पर क्या है। अच्छा मिसाल के तौर पर अभी जीरो इंडेक्स पर टू है, लेकिन अगर मैंने शुरू में कोई चीज़ पुश करवा दी तो सबका इंडेक्स चेंज हो गया, ठीक है। तो हेयर वी कम ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने कहा कि भैया ऑब्जेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, एरर तो नहीं दे रहा, वो मेरे पास कोई एक्सटेंशन हुआ है, स्पेल चेक अननोन सी स्पेल के नाम से ही एक्सटेंशन है, तो वो स्पेलिंग कह रहा है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करती अंग्रेजी में, ठीक है। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट सही है, और इज कोई बूलियन लगा रहा है मुझे, इज मैरिड ट्रू, और नहीं ट्रू तो उसमें बूलियन में देना था ना, हाँ बोलो, हाँ अच्छा, और मुझे इसके अंदर क्या देना है, नंबर देना है, एज 30,
अच्छा, और मुझे क्या दे सकता हूँ उसमें? एरे भी दे सकता हूँ भाई, एरे भी दे सकता हूँ। मैंने कहा कि हॉबीज, यस ठीक है। मैंने कहा भाई सिंगिंग, रीडिंग, वॉचिंग, सही है। वॉचिंग क्या आगे खुद ही समझ लीजिए क्या वॉचिंग, कुछ वॉचिंग। अच्छा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। एरे को मैं रीड कैसे करता था? एरे का मुझे पहला इंडेक्स अगर एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता था? एस टी डी और उसका इंडेक्स जीरो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रोक देता हूँ, मैं कॉमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कैसे बोलूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग। अब मुझे यहाँ पे इसका पहला इंडेक्स प्रिंट करना है, तो मैं कहूँगा एस टी डी डॉट फर्स्ट नेम, सही है। ये एस टी डी डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे करके मैं इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सेस करने का एक तरीका और भी है, दैट इज एस टी डी और एस, सही है। इनफैक्ट ये वाला जो है ना, तो क्या किया मैंने, ये वाला जो तरीका है ना, ये इसका पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, वो मैंने गलती से पहले बता दिया, सही है। एस टी डी एरे की तरह बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लेकिन एरे के अंदर अब इंडेक्स नहीं लिखा मैंने, इसका की लिखी है मैंने, ये जो की है ना इसकी, ये लिखी है मैंने, हाँ स्ट्रिंग में लिखनी, ये पहला तरीका है। और ये भी तरीका मौजूद है, ओरिजिनल तरीका तो ये वाला है, ये दिस सेकेंड वाला जो है ना, ये कहलाता है डॉट नोटेशन, ठीक है। तो ये डॉट नोटेशन भी आपके पास अवेलेबल है, तो डॉट करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर एज प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूँगा, डॉट एज कर दूंगा। डॉट नोटेशन से भी कर सकता हूँ, इस वाले से भी कर सकता हूँ। जो बेहतर तरीका है वो तो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में ना पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन सेकंड वाला जो है ना डॉट नोटेशन, ये ज़्यादा फेमस है, सही है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, ये जो डॉट नोटेशन है ये ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है इस तरह से। ये मैंने कहा कॉपी पाथ और, अच्छा ये तो खुला हुआ है ना पहले से, यहाँ देखो मलिक मलिक और 30 ये आ गया, ठीक है ना, मलिक मलिक एंड 30। अच्छा, इस तरह करके मैं फर्स्ट नेम गेट किया मैंने, मैं लास्ट नेम भी कर सकता हूँ। क्या मतलब, फर्स्ट नेम के बाद और डॉट, ये तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ना, ये तो कंसोल डॉट लॉग जो होता है इसमें कॉमा कॉमा करके जो मर्जी प्रिंट करवा लो। तो मैंने कहा भाई कॉमा और कोई कॉर लिख दिया मैंने, ये तो कंसोल डॉट लॉग की बात कर रहे हो तुम ना, ठीक है। तो एस टी डी करके डॉट लगाऊंगा मैं और वो की लिखूंगा। अच्छा, अगर मैंने कोई ऐसी की लिख दी जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, जैसे कि डॉट रीड, डॉट रीड करके तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो बल्कि डॉट हाइट कर देता हूँ, ठीक है, एस टी डी डॉट हाइट, हाइट मौजूद है नहीं है, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, अनडिफाइन, सही है, अनडिफाइन आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसको मैं चेंज कैसे करूँगा, ये तो मैंने रीड करना सीख लिया, चेंज करने का सेम तरीका है वही, मैं बोलूँगा भाई एस टी डी डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जॉन, ठीक है। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट नेम को प्रिंट करवाऊँगा तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, जॉन प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है, जॉन प्रिंट हो गया। मेक सेंस है? हाँ, ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते हैं। ये सात जो दिए मैंने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः वैल्यूज दिए मैंने उसको, तो अगर हम अभी ना दें बाद में कभी दें, हाँ हाँ दैट इज परफेक्टली फाइन। जैसे तुम ये कह रहे हो ना कि मैं कहता लेट और ए बी सी इक्वल्स टू और एम टी ऑब्जेक्ट, ऐसे एम टी ऑब्जेक्ट रख लेता मैं, बाद में बोलता कि यार ए बी सी डॉट नेम इक्वल्स टू ऐसे समथिंग,
तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं. जैसे हम एरे में करते हैं सेम इसी तरह इसमें भी होगा. ठीक है, तो मैंने शुरू में एम्प्टी बना लिया, बाद में ये. अच्छा, अभी मिसाल के तौर पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो मौजूद नहीं है, जैसे कि हाइट है. ठीक है, तो मैं एसटीटी डॉट हाइट इसको दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा. मैंने कहा एसटीटी डॉट हाइट इक्वल टू 6, सही है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा. अब जब मैं गेट करूँगा हाइट, शुरू में तो नहीं मिल रही थी ना, अब मिलेगी मुझे हाइट. इस वाले में अनडिफाइंड, लेकिन इस वाले में डेटा आएगा. ये देखो 6 आना शुरू हो गया, सही है. तो ये ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? Yes, sir. लूप लगता ही नहीं है इसके अंदर, लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी. लूप एरे पे लगता है, मतलब ज़बरदस्ती लगाओगे तो लग जाएगा इसमें भी. एक इसमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके होता है तरीका उससे, लेकिन आमतौर पे इस पर लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सही है ना. ये लूप के लिए बना नहीं है, लूप के लिए बना है एरे. वो अभी हम वक्तन फ़वक्तन हम कोडिंग करेंगे ना, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये आमतौर पर एरे के अंदर होता है. ये सही है, एरे के एक इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट होता है आमतौर पे, तो एरे ऑफ इंडेक्सेस होता है वो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. तो आप आइट्रेट एरे पे करते हैं और हर इंडेक्स पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है. जैसे आपने अगर 14 दिन का फॉरकास्ट मंगवाया वेदर का, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 14 इंडेक्सेस वाला एक एरे मिलेगा, और एरे के पहले इंडेक्स पे पहले दिन का वेदर, पहले दिन के वेदर में क्या होगा? टेम्परेचर, मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी. दूसरे में भी यही होगा, दूसरे में भी एक ऑब्जेक्ट होगा मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी. तो इस तरह 14 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको 14 इंडेक्सेस में. तो आप आइट्रेट एरे पे करेंगे और हर इंडेक्स पे जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें सेम प्रॉपर्टीज होंगी. अच्छा, तो अब ये अगर समझ में आ गया तो इसको कमेंट डाउन करके अब वापस आ जाते हैं इस जगह पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा के ऊपर. अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा में अगर मैं कराची लिख के गेट का बटन दबाता हूँ, ये वही है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट ही है ना ये. अच्छा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अब देखो मुझे क्या मिल रहा है. ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मिल रहा है बेस इक्वल्स टू स्टेशन. तो मुझे अब इसको अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा? रिस्पॉन्स डॉट डेटा तक तो मैं लिख चुका हूँ, डॉट बेस लगाऊंगा अभी. ठीक है, उसके अलावा मुझे चाहिए अगर सिटी का नेम तो डॉट नेम लगा दूंगा मैं. तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, एक रिजल्ट का हम एक बना लेते हैं वो डिव. मैंने कहा डिव और आईडी रिजल्ट, सही है. और इस रिजल्ट के अंदर मैं कुछ चीज़ें प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ. और मैं यहाँ गया, मैंने कहा अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ जाए तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू. अब इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू करके मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट क्या था, मेन था, नेम था, एन ए एम ई नेम, सही है. तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिख के उसको एंटर करूँगा कोई भी नाम, जैसे मैंने कराची लिख के एंटर किया तो यहाँ पे नीचे कराची आ गया. अच्छा, सिर्फ कराची नहीं, अब मुझे साथ में इसका क्या प्रिंट करवाना है, मुझे इसका टेम्परेचर भी करवाना है प्रिंट. तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक तो लिखा हुआ है मेन, और मेन के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है उसमें लिखा हुआ है टेम्प. ये कैसे होगा? हाँ, मैं कहूँगा भाई मेन डॉट टेम्प, ऐसे करके होगा. रिफ्रेश किया मैंने, कराची लिखा, ये आ गया 26.9. ठीक है, तो ये मैं डॉट डॉट करके असल में क्या कर रहा हूँ, वेदर का जो ऑब्जेक्ट है ना पूरा उसको एक्सेस कर रहा हूँ. अच्छा, तो मुझे अब मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवानी, तो मैं इसको CS6 का टेम्पलेट बना लेता हूँ पहले. तो CS6 का टेम्पलेट मैंने बनवा लिया इसको सबसे पहले. उसके बाद मैंने कहा भाई H1 इनर HTML है ना, लिख सकता हूँ मैं इसमें पूरा HTML. मैंने कहा उसके बाद भाई आप क्या करो, पहले तो लिखो नेम बड़ा सा हेडिंग में, सही है. मैंने कहा नेम पहले होगा, यहाँ पे नेम हो गया, इसको मैं दूसरी लाइन में ले आता हूँ. अच्छा, नेम लिखने के बाद मैंने कहा भाई एक आदत लगाओ BR, BR लगा दिया मैंने. फिर मैंने कहा एक आदत आप क्या लगा दो, H3 लगा दो, और H3 में क्या प्रिंट करवा दो, टेम्परेचर करवा दो. टेम्परेचर कैसे होगा, इसी तरह होगा बिल्कुल. और मैंने कहा अभी क्या था, ये मेन डॉट टेम्प था,
सही है। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रिजल्ट में इनर एचटीएमएल में ये पूरा एचटीएमएल रखवा दो, और इस एचटीएमएल के बीच में मैंने क्या रखवा दिया, कुछ वेरिएबल्स भी रखवा दिए। मैंने कहा यार ये वेरिएबल्स होंगे इस एचटीएमएल के बीच में, ठीक है, एक एच वन होगा, उसके बाद लाइन ब्रेक होगी एक, और उसके बाद एच थ्री होगा जिसमें टेम्परेचर लिखा हुआ होगा। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर मैंने कैनेडा लिखा, गेट वेदर दबाया, तो ये देखो क्या, अरे लाइन ब्रेक इतना सारा क्यों हो गया। एच वन ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक करता है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। सही है, कैनेडा 21.77। अच्छा साथ में मुझे इसके डिग्री भी लगाना है, वो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना सी, कैपिटल सी, और ये लगा दूँ, नहीं वो कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, वेदर लिखूँगा ना तो यहाँ पे बना हुआ आ जाता है, देख रहे हो, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। होता है कीबोर्ड में भी स्पेशल, लेकिन अब वो ढूंढूँ किधर मैं उसको, उससे बेहतर है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कैनेडा गेट, ये एपीआई में इस तरह से ही दे रहा है कैनेडा, आई एम नॉट श्योर वाई, शायद उनके यहाँ एन ऐसे लिखते हो, ठीक है। मैंने कहा यार इस्लामाबाद एंटर, तो ये इस्लामाबाद आ गया। हाँ भाई असली वाला वेदर ऐप बन गया, अब आपको क्या करना है, आपको जो है ना अच्छी सी यूआई बनानी है। अभी तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर प्रिंट करवाया, मिनिमम मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें, ये देख रहे हो weather.com, weather.com पे चले जाते हैं, ऐसा बना दो, ठीक है, या तो फिर चल भाई अंदर ऐसा बना दो, या तो फिर ठीक है कैसा बना सकते हो, क्या कर सकते हो, या फिर मैं एक और वेदर ऐप दिखाता हूँ, वैसा कुछ करो कोशिश बनाने की है। हाँ एक अभी करंट की बना दो फिलहाल, हाँ यूआई में दिखा देता हूँ, ऐसा भी बना सकते हो, बन जाएगा। अच्छा ये रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन, तो ये वीडियो में आ जाएगा, तो मुझे मतलब ये मैं चला के दिखा देता हूँ एक बार पूरा कोने तक कि ये क्या है। सही है, ये मुझे क्या दिखा रहा है, हर घंटे का दिखा रहा है, नाउ, सही है नाउ, उसके बाद 11 PM, 12 PM, 1 PM। अच्छा ये तो नहीं है ना अभी आपके पास डेटा, ठीक है, तो अभी ये मत दिखाओ, इस इतना पार्ट हटा देना, ये जो इतनी विजिट है ना ये वाली, ये हटा देना। अच्छा अब देखो ये 10 डे का फॉरकास्ट है। अच्छा आपको जो है ना ये जो ओपन वेदर एपीआई है वो एक तो करंट डेटा देता है, उसके अलावा 5 डे का फॉरकास्ट भी आपको देता है, 5 डे का। उसकी प्राइसिंग में जाओगे ना तो दो आ रहे होते हैं, एक करंट और एक 5 डे का। 5 डे का जो है ना 3-3 घंटे के गैप से देता है, 40 आपको आइटम्स देता है पूरे वो। अच्छा तो ये 10 डे का फॉरकास्ट है, बन जाए तो अच्छी बात है। उसके अलावा ये प्रेसिपिटेशन है, यूवी इंडेक्स है, यूवी इंडेक्स क्या होता है कि रेडिएशन कितनी आ रही है सूरज से, सनराइज कितने बजे होगा और सनसेट कितने बजे होगा वो लिखा हुआ है, ये रहा। सही है, उसके अलावा विंड की डायरेक्शन क्या है इस वक्त, वो ये आ रहा है, ये शो करता है उसमें वो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के क्या चांसेस हैं बारिश के, फील्स लाइक 30 डिग्री के, अभी है कितना और एक्चुअल में फील, देखो ऊपर बता रहे हैं 27, फील्स लाइक 30 ह्यूमिडिटी की वजह से या किसी की वजह से। अच्छा ह्यूमिडिटी है 78%, विजिबिलिटी जो है वो 13 माइल है, ये भी शो करता है उसमें वो, करंट वेदर में ना ये विजिबिलिटी भी आ रहा होता है, ठीक है। प्रेशर कितना है इस वक्त, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आ रहा होता है करंट वेदर में, और बस ये ख़त्म है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा दूसरी इस ऐप की अच्छी बात ये है कि ये बैकग्राउंड जो है ना अकॉर्डिंग टू द वेदर ये चेंज होता रहता है, ठीक है। इस्लामाबाद में भी रात है, क्लियर स्काई है ना, देखो सितारे दिखा रहा है। अच्छा ये वैंकूवर में इस वक्त दोपहर हो रही है, धूप निकली है, तो अकॉर्डिंग टू द वेदर सिचुएशन वो बैकग्राउंड ये चेंज करते रहते हैं। तो आप भी ये चेंज कर दीजिएगा, दुबई में रात हो रही है इस वक्त, अटक में भी रात हो रही है इस वक्त, बलूचिस्तान में भी रात हो रही है, कोई और बताओ जहाँ पे बर्फ़ बर्फ हो रही हो, कोई है ऐसी जगह है, रशिया, हाँ मस्कवा, मॉस्को, रशिया, हाँ देखो मॉस्को में ना क्लाउडी स्काई है, तो सितारे नहीं दिखा रहा, क्लाउड्स दिखा रहा है।
अच्छा देखो जहाँ पे बारिश के चांसेस हैं तो वो दिखा रहा है। वेल आपके पास ये डेली फोरकास्ट नहीं है बारिश का, तो आप ये स्किप कर दीजिएगा, जो नहीं मिल रहा हो आपको वो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। विंड की डायरेक्शन देखो डिफरेंट है यहाँ पर। हाँ भाई हाँ ना, ये अभी दिखा देता हूँ मैं क्या क्या आ रहा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इधर क्या क्या शो कर रहा है आपके पास। ये कॉन्सोल पे गया मैं, देखो क्लाउड्स इस वक्त क्लाउड्स कितने हैं, 40 दिखा रहा है क्लाउड्स ने। अच्छा कोऑर्डिनेट्स, यार ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है, अच्छा क्लाउड्स दिखा रहा है 40 है अमाउंट ऑफ क्लाउड्स है। उसके अलावा मेन के अंदर अगर आप जाए तो फील्स लाइक ह्यूमिडिटी प्रेशर ये चीज़ें आ गई सारी। एस वाई एस के अंदर कंट्री का कोड, आईडी, सनराइज का टाइम मिली सेकेंड्स में आई थिंक, और सनसेट का टाइम मिली सेकेंड्स में, टाइम जोन, विजिबिलिटी 6000 meters आई थिंक, सही है 6000 meters। उसके अलावा वेदर का नीचे एक और आ रहा है क्लाउड्स है, और डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, स्कैटर्ड क्लाउड, ठीक है डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, स्कैटर्ड क्लाउड, और आइकन भी बता रहा है 0.03N, ठीक है। हाँ विंड की डायरेक्शन भी देखो ये बता रहा है, विंड की डायरेक्शन है डिग्री है 250 और स्पीड है 3.09 किलोमीटर शायद या माइल, वो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना कि ये कौन से यूनिट दे रहा है, ठीक है मैट्रिक में शायद किलोमीटर ही होता है। अब जैसे ये डिग्री है ना 250 डिग्री, अब 250 डिग्री का मतलब क्या है, 250 डिग्री का मतलब भी समझा देता हूँ क्या है। हाँ बस निकलते हैं, 250 डिग्री का मतलब ये, जैसे मैंने कंपास खोला ना, अब ये जैसे मैं फोन अपना घुमाऊंगा ना तो ये मुझे बताएगा क्या था, 250 था ना, 250 इस तरफ है। सर ये टोटल हाँ ये 250 ना ये इधर है, यानी मेरे पीछे की तरफ, तो 250 की तरफ जा रही है हवा, सही है या पता नहीं आ रही है। एक इसमें भी देखते हैं ना कराची, यहाँ पे भी दिखा रहा होगा ना मेरे पास वेदर में, असल में ये वाला व्यू थोड़ा बेहतर है इसका। कहाँ गया यार, कैंसिल कैंसिल कराची, ये थोड़ा बेहतर है, ये कह रहा है कि यार वेस्ट के इस तरफ से आ रही है और इधर जा रही है वो, ये थोड़ा बेहतर व्यू है। वेल तो वो देख लीजिएगा कि 250 की तरफ से आ रही है या उस तरफ जा रही है, वो गूगल कर लीजिएगा या उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होगा कि 250 के साइड क्या सीन है, ठीक है। चलो यार बस आज की क्लास को मेरे ख्याल है यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ऊपर निकला है अपने टाइम से हम, और इसमें CSS वगैरह लगा के ना अच्छा सा करके GitHub पेजेस पे इसको अपलोड करके, और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में लाइव सेशन करेंगे।